बीए न्यूज परिवार ने मनाया तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह। राजधानी लखनऊ के राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में रति प्रतिभा सम्मान समारोह उल्लासपूर्वक मनाया गया। ब्रह्मांड न्यूज परिवार की ओर से मनाए जाने वाले इस समारोह में प्रदेश के समाजसेवी, वकील और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में राजधानी लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया मुख्य अतिथि रहीं और रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के रोहित श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि रहे। प्रबंध निदेशक ब्रह्मांड की आवाज़ परिवार के अनुपम सक्सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में राजधानी लखनऊ के पत्रकारों, वकील और समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। समाजसेवी मधु यादव की कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति रही। आसिफ खान ने सभी प्रतिभाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, विचारक, लेखक चंद्र मोहन शुक्ला, पंकज व प्रबंध संपादक पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज के अरुण शर्मा जी भी उपस्थित रहे। तो हम आप लोगों से ये कहेंगे कि कम से कम कोशिश करिए कि जो पत्रकार समाज में बीच में रह के आप लोगों के साथ जो है आप लोगों की बात को उठाता है। अब जैसे कि अनुपम सक्सेना भैया ब्रह्मांड की आवाज, आज जो है ब्रह्मांड की आवाज में हर खबर पे आप लोगों की नजर होती है, सच्चाई छपती है इसमें। अवधेश सिंह भाई है हमारे पुराने वरिष्ठ पत्रकार है, अनुपम सक्सेना भाई है, समर्थ सक्सेना भाई है और संदीप पांडे भाई, अरुण कुमार शर्मा हमारे बड़े भाई, हमारे गुरु यहाँ पे जो है, गोपाल भाई हैं जो सहारा से रहे हैं और हिमांशु भाई शुक्ला जी, कई लोग हैं और एडवोकेट बहुत सारे लोग हैं हमारे, श्रीवास्तव जी हैं, बहुत लोगों के नाम नहीं मालूम है, उनके लिए जो क्षमा चाहेंगे, नाम अगर लिख के दे दिए होते तो आप लोग भी नाम लेते एक बार। और उसके लिए जो आज कनक श्रीवास्तव आज हमारे बीच में मैडम अध्यक्षता कर रही है, अगर पत्रकारों के ऊपर कोई भी बात पड़ता है तो भारतीय पत्रकार महासभा की जिलाध्यक्ष कनक श्रीवास्तव जी हैं, अपने पूरी टीम के साथ अनुपम सक्सेना भाई एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसे लखनऊ शहर ही पूरे उत्तर प्रदेश के जो है हर जिले में जाने जाते हैं, ब्रह्मांड की आवाज हर जिले में ब्यूरो और रिपोर्टर बने हुए हैं। हम लोगों की यह प्रयास रहती है कि आप लोगों की जो भी समाज की खबर रहती है उसको उजागर करें और शासन प्रशासन तक का जो है ले जाके उस खबर को जो है कार्यवाही करवा सके। लेकिन क्या होता है भैया, वो इस क्षेत्र के पत्रकार हैं, हाँ उस क्षेत्र के पत्रकार हैं, चलिए ठीक है, एक काम करिए इनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमा लगवा दीजिए। बहुत लोग वाकिफ होंगे, बहुत लोग सच्चाई मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं, बहुत पुराने पुराने लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे कि कम से कम भैया अधिवक्ता, अभी आपने देखा कि अधिवक्ता कितना एकता है इसमें, अधिवक्ताओं के संगठन में हम पत्रकारों में एकता क्यों नहीं हो पा रहा है। अनुपम सक्सेना ऐसे लोग जो है, गोपाल भाई लोग, अवधेश सिंह ऐसे हमारे हिंदी खबर के पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्तार खान जी हैं, सभी लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, कनक श्रीवास्तव मैडम मेहनत कर रही है, सबको एकजुट कर रही है, आप लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आज मेरा छोटा सा परिचय है, मोहम्मद हसनैन जाफरी नाम है, भारतीय पत्रकार महासभा का चेयरमैन है और हमारे अनुपम सक्सेना भैया के साथ रहे कि पत्रकारिता हमने सीखी है, हमारे गुरु हैं, हर जगह इनके साथ गए हुए हैं, आप वकीलों के साथ भी रहे हैं, आप पत्रकारों के साथ भी रहे, लेकिन आप लोगों से आज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आज ब्रह्मांड की आवाज में इस प्रोग्राम में यहाँ पे जितने भी पत्रकार हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आप लोग एकता बना लीजिए, एकता कर लीजिए, कोई भी पत्रकार हो, आप लोग अलग अलग संगठन चला रहे हो चलाइए, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक रहिए, अगर आपके ऊपर कोई बात पड़ता है तो सब पत्रकारों को खड़ा होना बहुत जरूरी है। और रोहित रोहित श्रीवास्तव जी इस वक्त मौजूद हैं, जो हम पत्रकारों के लिए जो है हौसला बढ़ाने के लिए हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में जो है हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहे हैं। मधु मैडम भी यहाँ पे बहुत मौजूद है, यहाँ पे जितने भी और हमारे इस वक्त यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोशिश यही करिए कि जैसे अनुपम सक्सेना जी जो है आप लोगों के एकत्रित कर रहे हैं, हर साल ये प्रोग्राम हो रहा है, कनक श्रीवास्तव जी एक एक घर में जाती है, एक एक पत्रकार को फोन करती है, अनुपम सक्सेना भैया जाते हैं बताते हैं, लेकिन कम से कम एक होइए भैया ना, क्या वजह है जो एक नहीं हो पा रहे हो, कौन सा अड़ंगा लग रहा भैया। अगर एक नहीं हो पाओगे तो जैसे आप देख रहे हो जगह जगह हर थाने में फर्जी मुकदमा लगाए जा रहे हैं पत्रकारों के ऊपर ना, ऐसे ही एक एक शख्स के ऊपर जो है टारगेट किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यहाँ पे बैठे हुए आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कम से कम पत्रकारों का साथ दीजिए, जो पत्रकार जो है बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम कर सके। आज हमारी स्वतंत्रता कहां चली।
चली गई है, चौथा हिस्सा मैं ना ये पत्रकार, आज ये चौथा हिस्सा मैं, हमारे अरुण शर्मा जी बैठे हुए हैं पावर ऑफ जनाधिकार के प्रधान संपादक हैं, इनके पत्रकार पीजीआई थाने में फर्जी मुकदमा लग जाता है, पुलिस वाले एक लेडीज कांस्टेबल को आगे करते हैं, कहते हैं कि पत्रकार जो है पुलिस लेडीज कांस्टेबल से छेड़खानी कर रहा था। अरे भैया हर थाने में कम से कम सीसीटीवी का कैमरा तो लगा ही नहीं लगा है, उसको दिखाना चाहिए कि पत्रकार ने छेड़छाड़ी, उन्होंने ये दिखाया था कि हाथ पकड़ लिया था। एक लेडीज कांस्टेबल, एक पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज़पेपर के अमित कुमार हैं, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, उन्होंने दिखाया, जबकि सीसीटीवी में कहीं फोटोज नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया, वीडियो कुछ भी नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुकदमा लग गया। तो उस वक्त अनुपम सक्सेना भैया लोगों ने साथ दिया, और कुछ हमारे अधिवक्ता भाई लोग हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए सभी लोगों ने साथ दिया। उस वक्त हमारे लखनऊ के एसएसपी श्री दीपक कुमार जी थे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा निकाला तो उसमें पता चला कि ये फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है, एक पुलिस वाली महिला को आगे करके पत्रकार को फंसाया जा रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहा हूं, यहां पर मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, सामर सक्सेना भैया, रेणु त्रिवेदी मैडम, मैं यहां पे चिल्ला नहीं रहा हूं, यहां पे जितने भी हमारी बहन बैठी है, जितने भाई भी बैठे हैं, सब लोगों से मैं कह रहा हूं भैया एक हो जाइए, अभी भी वक्त है, नहीं तो ऐसे ही चौथा स्तंभ को धीरे धीरे कुछ लोग जो है इसका नाम जो है बिल्कुल से बदनाम करते रहे। इस पत्रकार जो आज हमारे बीच में ब्रह्मांड की आवाज का जो प्रोग्राम है, ये एकता हम लोग फिर से जो है यहाँ पे कायम रखें। यहाँ पे रईस भाई भी है, प्रकाश प्रभाव मिश्र है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों से निवेदन करूंगा बार बार कि भैया आप लोग एक हो जाइए, और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी अनुपम सक्सेना जी हैं, जिला अध्यक्ष हमारी कनक श्रीवास्तव मैडम है भारतीय पत्रकार महासभा से, आप लोग उसकी सदस्यता लीजिए और उसका जो है पदाधिकारी बनिए और अच्छा काम करिए, एकजुट होकर काम करें, ताकि जैसे कि हर संस्था बना हुआ है, हर विभाग में संगठन बन गया है, आज देख लीजिए एक रिक्शा वाले को मार देंगे ना, वो रिक्शा वाला जो है 100 रिक्शा वालों को लेके आ जाएगा, आ जाता कि नहीं आ जाता है भैया, बताइए तो कुछ बोलिए तो, आप लोग बिल्कुल सहम गए लग रहा है कि हम आप लोगों को जो है गलत तो नहीं कह रहे भैया कुछ गलत कह रहा तो बता दीजिएगा, यहाँ पे हम सबसे माफी मांग लेंगे अगर हमारे शब्दों में कोई गलत होगा तो। अनुपम सक्सेना भैया यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं अपने न्यूज पेपर के बैनर के तले, आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूं कि इस पत्रकार एकता को मजबूत करिए, अनुपम सक्सेना जी का साथ दीजिए, समर्थ सक्सेना जी का साथ दीजिए, अरुण शर्मा पावर ऑफ जनाधिकार के जो संगठन चला रहा है उनका साथ दीजिए, और रोहित श्रीवास्तव जी से साथ लीजिए, क्योंकि अगर कोई पत्रकारों के ऊपर अगर कोई बात पड़ जाता है तो रोहित श्रीवास्तव जी, हम इनके एहसान मंद हैं, हम इनको जो है धन्यवाद करते हैं पत्रकार भारतीय पत्रकार महासभा की तरफ से कि रोहित श्रीवास्तव जी सबसे पहले पहुंचते हैं। आज रुद्राज वेलफेयर एसोसिएशन रोहित श्रीवास्तव जी का चल रहा है, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, उसमें मुसलमान भी जुड़े हुए हैं, उसमें हिंदू भी जुड़े हुए हैं। तो हम रोहित श्रीवास्तव जी के लिए एक शेर बोलना चाहिए, उसके बाद अपने जो है शब्द पे लगाम देंगे, फिर आप होंगे, आपके साथ मुख्य अतिथि होंगे कनक श्रीवास्तव जी होंगे, अनुपम सक्सेना जी होंगे। हम आए थे बनाने क्या क्या बना बैठे, और कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे अच्छी किस्मत तो उन परिंदों की है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं अनुपम सक्सेना, प्रधान संपादक एवं प्रधान प्रबंध निदेशक बी ए न्यूज ग्रुप से, एक तरीके से चित्रा जौहरी जी मेरा नाम बार बार ले रही, जबकि मैं इसके लिए बधाई का पात्र नहीं, वो स्वयं उस अपनी बधाई के स्वयं पात्र हैं। अच्छा, क्योंकि उनके अंदर जितना टैलेंट है उन्होंने अपना निकाल के दिखाया है टैलेंट, और बी ए न्यूज़ के संग जुड़ी हुई है, बी ए न्यूज़ के लिए बहुत अच्छा। अनुपम जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं और ये जो मैडम जी हैं वो पुणे से बिलोंग करते हैं, कैसे मुलाकात हुई है आखिर आप लोग? एक न्यूज़ कवरेज के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा, फिर आपने क्या सोचा कि ये मैडम को इसमें? बी ए न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक को मौका देता है आगे बढ़ने के लिए, आज की तारीख में आप ये देख लीजिए कि कोई भी किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है, लेकिन बी ए न्यूज़ में अगर आप आओगे तो आपके अंदर का टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट बाहर निकाल के दिखाइए, इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो मेरा काम इतना है और कुछ नहीं, बाकी करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप अपने काम को करता है। जी मैम, पर्चे देते हुए ये बताइए कि आज जो अधिवक्ता और पत्रकार सम्मान समारोह है उसमें आपका क्या अहम रोल है?
देखिए मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी, मैं चित्रा जौहरी हूँ, मैं पुणे से आज ही आई हूँ और मैंने मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत काम किया है और काफ़ी एज होने के बाद भी मैंने इसके बाद शुरू किया है और मैं वॉइस ओवर थिएटर आर्टिस्ट और बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, लेकिन पत्रकारिता में पिछले एक साल पहले मैंने कदम रखा है और इसमें आकर जो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, यहाँ पर क्या आप लोग पत्रकारों को मुश्किल आती है, क्या उनको किस तरह से कवरेज लेना होता है, किस तरह से उनको लोगों से मिलना होता है और उनका कई बार मैंने देखा है खुद जब मैंने इसका काम किया है तो मुझे पता चला है कि वो किस तरह से काम करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, दोनों में उनको सबसे बाद में उनको ये बोला जाता है थैंक यू या धन्यवाद जो बोला जाता है, ये मैं खुद नोटिस कर रही हूँ और कवरेज जो है वो काफ़ी कई बार बहुत मुश्किल होता है। मैम सिर्फ अनुभव लेने के लिए आप पत्रकारिता क्षेत्र में आई हैं या फिर वास्तव में आप इस पत्रकारिता के क्षेत्र में रह करके? मैं इसलिए आई हूँ कि देखिए मैंने हर क्षेत्र में बहुत अपना नाम कमाया है, मॉडलिंग हो, वॉइस ओवर हो, थिएटर, ऑलरेडी मैंने दूरदर्शन आकाशवाणी में भी काम किया था और इंटरनेशनल मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, तो अभी मैं इस स्टेज पर जबकि मेरे सभी लोग सेट हो गए हैं, बच्चे भी सेट हैं, हस्बैंड भी आर्मी में कर्नल हैं, सभी कुछ हो गया है, तो मैं पत्रकारिता में इसलिए आई हूँ कि ये सारे क्षेत्रों में मैंने अपना नाम बहुत कमा लिया है। अब मैं पत्रकारिता में आकर ये देखना चाहती थी, जैसे कि लोग बोलते थे कि नहीं पत्रकारिता में कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं इसमें आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी, जैसे कि मैंने बीए न्यूज़ चैनल, आई कनेक्ट न्यूज़ को ये बताएंगी आप, काफ़ी कवरेज मैंने इंटरनेशनल भी दिए हैं लोगों को कवरेज। तो ये बताइए कि आपने जो आप थिएटर में जैसे बताया आपने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, लखनऊ में लगभग कितने शोज आपने? नहीं मैं लखनऊ में नहीं, मैं पुणे में रहती हूँ, मैं बॉम्बे थिएटर मैंने ज्वाइन किया है और वहाँ पे करती हूँ, वॉइस ओवर एडवर्टाइजमेंट में करती हूँ, टीवी एडवर्टाइजमेंट में मैं अपनी आवाज़ देती हूँ, जो आप टीवी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसमें वॉइस ओवर करती हूँ मैं। आज आपको सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बीए अनुपम जी जो है, अनुपम जी बीए न्यूज़ चैनल के जो संपादक जी हैं उनको पिछले मैं 2-3 सालों से जानती हूँ और उन्होंने यहाँ पर बुलाया मुझे और अनुपम जी का बहुत तहे दिल से कहना चाहिए शुक्रिया करते हैं और उन्होंने जब मुझे बोला कि आप न्यूज़ बोलिए तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात बोली कि देखिए मुझे कोई अनुभव नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं एक बार आप करिए, ट्राई करिए और फिर मैंने न्यूज़ बनानी और उसको लिखना शुरू किया और जो कि आप सारे साहब अनुभवी लोगों ने मुझे पहचाना और मुझे इसका मौका दिया कि मैं भारत और विदेश दोनों की कवरेज करूं और दूं लोग अनुपम जी तक या बीए न्यूज़ चैनल तक पहुँचाऊँ, इसके लिए मैं अनुपम जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक, थैंक यू। परिचय के साथ बताइएगा कि आप